चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे मेरी डिस्क ब्रेक से रिलेटेड। मेरी बाइक का डिस्क ब्रेक काम नहीं कर रहा, आप देख पाएंगे। तो ये बहुत ही लो पे जाके काम कर रहा है। तो प्रॉब्लम्स आती हैं वो सिर्फ एयर बनने के कारण आती है या लीकेज के कारण आती है। अगर आपकी पार्ट्स में कहीं लीकेज है, असेंबली में कहीं लीकेज है, तो लीकेज की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा एयर से, अगर एक बार एयर बन जाती है दोस्तों तो बहुत मुश्किल होता है उसको निकालना। एडजस्ट करने की एक यहाँ पे रास्ता होता है, एक वे होता है, जो कि पूरी असेंबली से जब भी आप यहाँ से सिंपल फिजिक्स है दोस्तों, कुछ नहीं है। इसे आप प्रेस करते हो, यहाँ पे पिस्टन होता है, पिस्टन ऑयल को कंप्रेस करता है, ऑयल के थ्रू यहाँ पे आता है, इसमें कंप्रेशन क्रिएट होता है। इसके अंदर लगे हुए पिस्टन ये कैसे काम करता है मैं आपको दिखाता हूँ। और इसमें कोई लीकेज से रिलेटेड तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लीकेज होती तो दोस्तों ऑयल इसमें नीचे आ जाता है, अभी ऑयल नहीं आ रहा है। तो लेट्स चेक कि सिर्फ ये 12 नंबर का पाना यूज़ होता है। 12 नंबर के पाने से आप अपने डिस्क को खोलिए। ये देखो पूरी असेंबली मेरी बाहर आ गई है। ये डिस्क है, ये काम करता है दोस्तों। ये आप देख पा रहे होंगे, ये वाले ये दो पिस्टन से, एक ये है दोस्तों, एक ये है, थोड़ा जूम करो, एक ये है और एक ये है। जैसे ही मैं डिस्क ब्रेक प्रेस करूँगा तो ये इसको प्लेट को कंप्रेस करेंगे और जो कि डिस्क को ऐसे पकड़ के ब्रेक अप्लाई हो जाएगा दोस्तों। और जैसे ही मैं डिस्क को छोड़ूंगा तो रिवर्स कंप्रेशन क्रिएट होगा, और रिवर्स कंप्रेशन क्रिएट होते ये पिस्टन जहाँ से निकले थे उसी अपनी जगह पर वापस चले जाएंगे दोस्तों। ये सिंपल टेक्निक है। तो दोस्तों इसमें लीकेज तो नहीं है, लीकेज तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, थोड़ा गंदा हो गया ये होता है, थोड़ा सा, इतना ज़्यादा नहीं है कि इसको खोल के साफ किया जाए। तो दोस्तों एक लीकेज हमने देख ली है, इसमें लीकेज नहीं है तो हम इसे वापस फिट कर देते हैं दोस्तों। डिस्क की सेटिंग आपको प्लेट के हिसाब से देख के करनी होगी। डिस्क अगर इधर उधर रहेगा तो आपके ब्रेकिंग नहीं लगेगी, एक्सीडेंट्स होने के चांसेस भी हैं। अगर डिश पैड आपके सेट नहीं बैठे हैं तो सेट बैठना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है ये एयर बन गई है डिस्क के अंदर या सिलेंडर हेड के अंदर, जिसके कारण ब्रेक जो है पूरी तरह से काम नहीं कर रहे हैं। हम उसको सिर्फ वो निकालें। बहुत सिंपल है दोस्तों। आपका ये सिस्टम अगर ठीक है, आपको डिस्क की ये प्लेट खोलनी है, ऊपर ये खोलनी है आपको पेचकस से। तो दोस्तों एक यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक कैप है, इस कैप को आप हटाएंगे तो ये ऑयल की एयर निकालने के लिए एक वॉल लगाया हुआ है। अब यहाँ पे जो टेक्निक है दोस्तों वो ये है एक इंजेक्शन। इसमें मैंने एक ये इंस्टॉल किया है, ये बांध दिया है यहाँ से। दोस्तों देखो सिंपल फिजिक्स है, जो एयर होती है वो ऑयल से हल्की होती है। तो अगर मैं यहाँ से रिवर्स कंप्रेशन अगर मैं क्रिएट कर दूँ तो पूरी एयर मेरी यहाँ से निकल जाएगी, क्योंकि मैंने ऊपर का क्या, तो मैंने ये यहाँ पे लगा लिया है, पाना इसके अंदर ही छोड़ दिया ताकि टाइट या ढीला करना पड़े तो मुझे आसानी हो, मुझे कोई दिक्कत ना हो। सिर्फ इंजेक्शन को प्रेस करना है, धीरे 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 आप देखेंगे तो ऊपर एयर फ्लो होती नज़र आएगी आपको। दोस्तों देखेंगे आप ये बबल्स आए हैं यहाँ पर, तो लेट्स कंटिन्यू। और आप देखेंगे तो हल्का सा इसमें कंप्रेशर भी आ गया है डिस्क ब्रेक में, ये दिखाओ डिस्क में आप देखेंगे तो हल्का सा। अब यहाँ पे ये मेरा काम कर रहा है, यहाँ पे ये काम कर रहा है। अब इसको कम और थोड़ा सा इसमें एयर निकालते हैं दोस्तों, बहुत। तो दोस्तों ये दोबारा से आपने देखा कि मेरा यहाँ पर कंप्रेशर काम कर रहा है, बट थोड़ा सा इसमें एयर मुझे लगता है और बची। तो और इसको वही टेक्नोलॉजी है दोस्तों, इंजेक्शन में ये डाला है, पाइप के थ्रू इससे कनेक्ट किया है, सिंपल पाइप के थ्रू। ये मैंने पाना भी इसी में लगाया ताकि मुझे ज़रूरत पड़ने पे मैं इसे टाइट भी कर सकूँ। तो वही है सिंपल दोस्तों, इसे मुझे प्रेस करना होगा ये, और मुझे इंजेक्शन ऐसे दबा के रखना होगा। तो दोस्तों ये आपने देखा, हमने रिवर्स कंप्रेशर क्रिएट किया है और इसकी एयर हमने बहुत सारे बबल्स आपने देखे होंगे, यहाँ पर बबल्स निकल गए। वापस से हम उसको लगा देते हैं। दोस्तों अच्छी तरीके से टाइट करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से कंप्रेशर अगर लीक हो गया तो आपका ब्रेक फेल होने की संभावना है। तो दोस्तों ये आप देख रहे होंगे मेरा कंप्रेशर जो है दिस इज़ वर्किंग, मेरे ब्रेक्स वापस आ गए हैं। धीरे धीरे मैं इसको कंप्रेस करूँगा। तो ये मेरी ब्रेक्स की प्रॉब्लम पूरी तरह से फिक्स हो गई है। मुझे नहीं लगता आप कभी फ्यूचर में अगर कोई लीकेज ना हो या कोई एयर की कोई प्रॉब्लम ना हो तो कोई दिक्कत होगी। ब्रेक्स मेरे प्रॉपर काम कर रहे हैं, कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं लग रही मुझे। इसमें कंप्रेशन मैं फील कर सकता हूँ दोस्तों। यहाँ पर ये मेरा डिश पैड, ये मेरा ब्रेक है, यहाँ पर काम कर रहा है। ये रिवर्स कंप्रेशर थेरेपी है दोस्तों, जिसके थ्रू आप किसी भी बाइक का डिस्क ब्रेक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आप रेक्टिफाई कर सकते हैं अपने घर पे। आपको चाहिए सिर्फ एक 10 नंबर का पाना, एक 12 नंबर का पाना, एक इंजेक्शन और एक छोटा सा पाइप। तो ये जो वॉल है कंप्रेशर, जब आप इंजेक्शन को प्रेस कर रहे होंगे तो ये ढीला होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों इस पर, और इंजेक्शन को दबा के रखना है और लीवर को प्रेस करते रहना है। जैसे जैसे आप लीवर को प्रेस करेंगे तो ये जब रिवर्स कंप्रेशर जनरेट होगा तो यहाँ पे बबल्स के थ्रू आपकी, यहाँ पे बबल्स आपने देखे थे, उन बबल्स के थ्रू आपकी पूरी की पूरी असेंबली के अंदर जो भी एयर होगी वो बाहर निकल आएगी। आपके अगर असेंबली में, ब्रेक असेंबली में कहीं भी आपके लीकेज नहीं है तो आपका ब्रेक कभी भी ख़राब नहीं होगा दोस्तों। इस तरीके से आप अपनी किसी भी बाइक का, ये मेरी बजाज एवेंजर है, इसके अलावा पल्सर में किसी भी बाइक में जो इस तरह की टेक्नोलॉजी डिस्क ब्रेक जिसमें होते हैं उसमें आप रेक्टिफाई कर सकते हो। ब्रेक्स आर वर्किंग एफिशिएंटली, आई एम हैप्पी।